बहनों और भाइयों, आज मैं खूनी बवासीर, जिसको संस्कृत में रक्तार्स बोलते हैं, का एक सीधा साधा सरल उपाय बताने जा रहा हूं। यह है रसौत, जिसको मराठी में रसांजन भी बोलते हैं। ये अशुद्ध रूप में है, शुद्ध रूप में देखें आप। कई आयुर्वेदिक कंपनीज इसको शुद्ध करके बेचती हैं। आप किसी भी तरह की, किसी भी कंपनी की अपनी मनपसंद से 10 ग्राम शुद्ध रसौत खरीद लें और उसमें 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम अजवाइन पीस कर दोनों को मिला लें और एक बोतल में भर कर रख लें। इसको, इस बने हुए पाउडर को 2 ग्राम की मात्रा सुबह, दोपहर और शाम को केवल 2-3 दिन पानी से लेंगे तो खूनी बवासीर में बहने वाला खून, रक्तार्स में बहने वाला खून रुक जाएगा। ये रोकने की बहुत ही अच्छी दवा है और इसके बाद में जब 2-3 दिन बाद ये खून बिल्कुल रुक जाए तो दूसरा प्रयोग करेंगे इसी के साथ, वो भी केवल 2-3 दिन करना है। तो भाइयों बहनों, जैसे ही खून रुक गया है, 2-3 दिन अजवाइन और रसौत के प्रयोग से, तो अब हमको ठीक करनी है खूनी बवासीर को 2-3 दिन के अंदर। तो ये है केला, एक केला ले लें सुबह और उस केले में एक चीरा लगाकर टंकड़ भस्म बोलते हैं, फिटकरी का फूला बनाकर बनाई हुई भस्म, इसी को बाल सुधा भी बोलते हैं। और कई कंपनी टंकड़ भस्म के नाम से फिटकरी की बनी हुई भस्म बेचते हैं। उसको 2 चुटकी एक केले में चीरा लगाकर सुबह सुबह उसमें भर दें और खाएं। केवल 3 दिन खाने से खूनी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो पहले मैंने बताया था आपको अजवाइन और रसौत का प्रयोग, उससे खून रुक गया, और केला और टंकड़ भस्म से 2 या 3 दिन के अंदर खाने से खूनी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये बहुत सीधा साधा सरल उपाय मैंने बताया है, आप करके इसको फायदा ले सकते हैं। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार, नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।